जहां देश के कई हिस्सों में तेज बारिश ने तबाही मचा दी है। कई जगहों पर तो पानी इतना भर गया है कि बाढ़ जैसे हालत हो गए हैं। वहीं महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे लगातार बारिश हुई, जिसमें करीब 9 लोगों की जान चली गई। इस मामले में रविवार को राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने जानकारी दी। राज्य की कई नदियां खतरनाक स्तर को पार कर चुकी हैं। उल्हास, सावित्री, पाताल गंगा, अंबा और गड़ी नदियों का जल स्तर चेतावनी स्तर से थोड़ा नीचे है। महाराष्ट्र में बारिश के कारण 838 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वहीं लगभग 4916 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग और पुनर्वास विभाग द्वारा 35 राहत शिविर बनाए गए हैं, जिनमें लोगों को रहने और खाने की पूरी व्यवस्था की गई है।